हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं सिस्टरीन आप सभी का आगरा मसीह मंडली के ये पेज में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो उस दयालु परमेश्वर का जो अनुग्रह है आज हम सभी के जीवन में। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो उस स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है और सम्मान के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह जब हम सभी के साथ चलता है मेरे प्रियो, तो ये जीवन बहुत सहज और बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि भले ही हम अपने सांसारिक जीवन या सारे परिस्थिति के कारण हम जैसे भी होते हैं, परंतु जब हम यीशु के साथ बैठते हैं, यीशु के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदित होता है। हमारा जीवन अद्भुत शांति पाता है। ऐसा लगता है कि सदा सर्वदा हम यीशु के साथ बैठे रहे, सदा सर्वदा हम यीशु के पास ही रहे। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो इस संसार में कुछ लाभ ही नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही सच्चा है। क्योंकि संसार के जो भी है मेरे प्रियो, कुछ चंद दिनों का है, कुछ चंद पलों का है, परंतु जो हमारे यीशु के साथ है वो सब वो रिश्ता स्वर्ग में लेकर के जाएगा। और हमारा यीशु हमारे लिए वो सब कुछ पूरा करता है जो हम ख्वाहिश करते हैं, जो हम प्रार्थना निवेदन मांगते रहते हैं। यीशु हर एक चीज को पूरा करता है। हालेलुया, भले ही सभी लोग आपके साथ छोड़ देंगे, परंतु यीशु कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है, वो हर पल हर घड़ी हर समय हम सबों के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो सही में परमेश्वर हमारा इतना बड़ा है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना प्रेमी है कि वो हमको बहुत प्यार करता है। और हमारा पिता इतना प्यार करता है मेरे प्रियो कि जगत हो ये संसार हो, अपना एक लौता बेटे को भी उसने कुर्बान कर दिया। धन्यवाद उस परमेश्वर का, धन्यवाद उस महिमामय करुणामय कृपाल दयालु परमेश्वर का जो हमें इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को भी आपके लिए मेरे लिए ये संसार उसने दे दिया। हालेलुया, तो उसके प्यार के लिए चलिए हम कुछ समय उसको देते हैं, उसके अनुग्रह के लिए चलिए हम कुछ पल उस खुदावन को देते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम की प्रतिष्ठित करते हैं। हालेलुया, इस संध्या के समय में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एक छोटी सी दुआ करके हम इस समय को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम सब एकत्रित होते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू महान सामर्थी है पिता। ये जो समय है इसको हम तेरे हाथों में दे देते हैं। सारे वचन, सारे स्तुति महिमा प्रभु जितने भी तेरे बच्चे देते हैं पवित्र आत्मा हरे को अभिवर्ष करना, सभी को पिता आत्मिक बुद्धि और आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करना। प्रभु कोई भी खाली हाथ न जा पाए पिता, मेरे जो भी जो मांगे लेकर के आता है यीशु के नाम से हरेक की मांगे पूरी हो जाए। और प्रभु हरेक की आत्मा से हरेक के जीवन से पिता तू ही महिमा तू ही आदर पाए। और प्रभु इस विनती हम सारे प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोले आमीन। हालेलुया, चलिए हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय, और इस समय को और हम स्तुति महिमा के साथ साथ आगे लेकर के जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। चलिए कुछ स्तुति महिमा के गीतों को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा गाते हैं। हालेलुया, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, जुदा में हो नहीं सकती, जुदा में हो नहीं सकती, तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकती, तुझसे मेरे यीशु प्यारे, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत
मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की मेरे को भार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। टूटे हुए कुंड को मेरे को भार के पास लाकर ठीक करने की विनती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
चलिए हम वचन को देखते हैं, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है मेरे लिए और वचन ही जीवी है। हमारा परमेश्वर पिता आज हमें कौन सा वचन दिखाता है, कौन सा ऐसा जो वचन है जो आज हमारे जीवन की रोटी बन करके हमारे लिए आया है। चलिए हम देखते हैं और वचन को सुनेंगे और सुन करके हम पालन न करेंगे। परमेश्वर हमें आज क्या सिखाना चाहते हैं, क्या आज्ञा देना चाहता है, हमें उस आज्ञाओं को भी सुनना होगा, मानना होगा उस खुदावर के हरे गवाही को। हालेलुया। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो, रोमियो, रोमियो के पत्री का वचन है 14 वचन 4 एक से लेकर के हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो 12। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने भाई पर दोष मत लगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने भाई पर दोष मत लगा। हालेलुया। जो विश्वास में निर्बल है, प्रेज द लॉर्ड, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले, प्रेज द लॉर्ड। जो सही में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हालेलुया। तो वचन कहता है जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में जिसका बल नहीं, जिसका ताकत है, प्रेज द लॉर्ड, उसे अपनी संगति में ले। जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हो, प्रभु के वचन के पढ़ते हो, निरंतर प्रभु की प्रार्थना करते हो, ऐसे लोगों को, जो लोग हालेलुया विश्वास में निर्बल है, जो लोग विश्वास में कमजोर है, उनको आप अपने संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए ले। जो विश्वास में निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो, उसको अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, परंतु उसकी जो शंकाएं हैं, उसकी जो संदेह है, उसके ऊपर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना चाहिए जीत। अगर आपकी संगति में कोई एक विश्वास करता है कि सब चीज खाना उचित, सभी चीज खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह सात बात ही खाना चाहता है। हालेलुया। परंतु जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में कमजोर है, वह सात बात ही खाना पसंद करता है, सात बात खाना ही वो उचित समझता है। हालेलुया। खाने वाला ना खाने वाले को, खाने वाला ना खाने वाले को कुछ ना जाना, एक खाने वाला दूसरे खाने वाले को, एक खाने वाला दूसरे खाने वाले को, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन कहता है एक खाने वाला दूसरे खाने वाले को तुच्छ ना जाना, किसी को तुच्छ ना जाना है, प्रेज द लॉर्ड। और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाना, और कोई खाने वाला खाने वालों पर ना कभी दोष भी लगाना उचित है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें ये परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में सब लोग एक जैसे हैं। परमेश्वर जिस तरह आपको प्रेम करता है, सबों को प्रेम करता है। परमेश्वर ने सभी संसार को बनाया है, छोटे से बड़ा सब कुछ परमेश्वर के हाथों से बनाई है। और हमारा परमेश्वर सबों को एक जैसा प्यार करता है, सबों को एक जैसा प्यार करता है, अनुग्रह देता है, सबों को एक जैसा संभालता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। हमें किसी की दूसरे के सेवक के ऊपर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है, किसी को हमें उंगली नहीं उठाना है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संभव रखता है। हालेलुया। उसका गिर जाना या स्थिर रहना उसके स्वामी पर वो निर्भर करता है कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा, उठेगा या गिरेगा या वही स्थिर रहेगा, ये सब कुछ उसके स्वामी पर निर्भर करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यह वचन कहता है कि वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, वरन वह स्थिर किया जाएगा, वरन वह पूरा स्थिर किया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है,
क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज को मुस्तैद रख सकता है। जो ये संसार का करता है, पृथ्वी का करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो सभी चीजों को स्थिर कर सकता है। आप बस उसको पुकार करके देखिए। अगर आपका आत्मा व्याकुल है, अगर आप चंचल हो रहे हो, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आपको अगर बुरी बुरी ख्याल आ रहा है, आपके लिए अगर कहीं ऊंच नीच बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, आपका मन डगमगा रहा है, आप बहुत सारे ऐसे परिस्थिति में छेजे हो, आपके माइंड में कुछ बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहा है, आप एक जगह में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, हालेलुया। तो ऐसे परिस्थिति में मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें परमेश्वर से। हमारा यीशु मसीह आपको स्थिर करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। वो स्थिर किया जाएगा क्योंकि हमारा प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता, हमारा खुदा उसको स्थिर कर सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से पढ़कर मानता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से, कोई तो एक दिन को दूसरे से पढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक ही मान मानता है। हालेलुया। कोई एक दिन को उससे बढ़कर मानता है, तो कोई सभी दिनों को एक जैसा मानता है, और कोई सब दिनों को एक ही मान मानता है। हालेलुया। और कोई ऐसे होते थे कि सब दिनों को एक समान मानता है। हालेलुया। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर लेते हैं, और हर एक अपने अपने मन में निश्चय कर लेते हैं। हर एक जो है अपने अपने मन में स्थिर कर लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है कि जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वचन कहता है कि तू जो भी खाए जो भी पिए परंतु उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। और यह वचन कहता है वह प्रभु के लिए, और जो नहीं खाता, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता, और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना कोई अपने लिए जीता और ना आप अपने लिए मर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम में से ये संसार में जितने लोग हैं, कोई अपने लिए नहीं जीता, कोई अपने लिए नहीं मरता, हालेलुया, अपने लिए जीता है। परंतु ये संसार में मेरे प्रियो, आजकल के ये संसार बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही स्वार्थी है, और इतने स्वार्थी है जैसे प्रभु ने कहा है, अगर संसार की बातों में तू मन लगाएगा तो ये व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको हर जगह में, हर मोड़ पे आपको स्वार्थी स्वार्थ दिखेगा, स्वार्थी स्वार्थ दिखेगा। हालेलुया। सभी लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपना ही सोचेंगे, अपना ही देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वचन कहता है कि यदि हम जीवित हैं, वचन कहता है अगर हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। हालेलुया। आज अगर हम जीवित हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हैं, परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हालेलुया। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। जितने लोग मसीह में हैं मेरे प्रियो, वे सब लोग खुदावन्द यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए गए, और तीसरे दिन वे सब के सब मसीह के साथ जीवित हैं। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के वचन के द्वारा जीते हैं, जिन लोगों के मन में सदा सर्वदा परमेश्वर की आज्ञाओं, सदा सर्वदा परमेश्वर का भय होता है मेरे प्रियो, वे लोग सदा सर्वदा परमेश्वर के करीब रहते हैं। उनके मन में कोई भी खोट नहीं रहता है, कोई भी खोट नहीं रहता है। वो सभी लोगों को प्रेम से देखते हैं, अपने आत्मिक भावना से देखेंगे। हम सोचेंगे कि नहीं, वे सब मेरे हैं, अपने हैं। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो नहीं, जब तक आपको पवित्र आत्मा अगवाही नहीं करेंगे, आप किसी को पहचानने की गलती ना करता। क्योंकि वचन कहता है
वचन कहता है, हालेलुया। और यह वचन कहता है अतः हम जिए या मरे हम प्रभु हो के ही रहे, हालेलुया। अतः इसीलिए हम जिए या मरे हम प्रभु ही के ही, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो हम चाहे जिए या मरे, हम चाहे दुखी रहे या खुशी रहे, प्रभु के लिए रहे, प्रेस नमक, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, जब हम उसको पुकार देते हैं एक घड़ी नहीं लगता है वो हमसे बात करता है, एक घड़ी नहीं लगता है वो हमारे पास चला आता है, एक चंद सेकंड नहीं लगता है मेरे प्रियो वो हमारे पास चला आता है, हमें वो शांति देता है। यीशु कितना सुंदर, कितना प्रेमी, कितना दयालु, कितना प्रार्थना सुनने वाला, कितना हम जब पुकारते हैं सुनता है, हालेलुया। और यह वचन कहता है क्योंकि मसीह इसीलिए पड़ा, क्योंकि मसीह इसीलिए पड़ा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पड़ा है, क्योंकि उसने हमें बहुत प्रेम किया, यीशु ने हमें बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया मेरे प्रियो कि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो खुदा का हमारे प्रेम करने से पहले वो हमें प्रेम किया, हमारी माता से गर्भ से रहने से पहले से ही उसने हमें प्रेम से खींचा है, प्रेम से खींचा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में ये लिखा गया है क्योंकि मसीह इसीलिए मरा, क्योंकि यीशु इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हो और जीवित हो दोनों का प्रभु, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मरा कि जी भी उठा, इसीलिए मरा कि वो जी भी उठा और कि वह मरे हो और जीवित हो दोनों का प्रभु, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मरा कि वो जी उठा और सभी मरे हो का और जीवित हो का दोनों का प्रभु, आमीन। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, यहाँ वचन कहता है तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, प्रेस का लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम किसी भी बुरी बात कर देते हैं, हालेलुया, अगर हमारे मुंह से कोई भी ऐसे अगर बात निकल आती है कि प्रभु के खिलाफ है तो बहुत दुख लगता है, ऐसा लगता है कि पिता मुझे देख रहा है, कहीं मुझे पिता डांटेगा, कहीं मुझे पिता डांटेगा, मुझसे क्या बोलते, मैं लोग उसके वचन के खिलाफ एक कार्य करते, हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, वो हमारा पिता हमें क्षमा भी करता है, क्षमा करता है क्योंकि वो हमारी आत्मा को बरकरार है, इसीलिए वचन कहता है तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, वचन कहता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है। हाँ मेरे लिए, हमें किसी के ऊपर अपने भाई पड़ोसी या किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं है, हमारे किसी के ऊपर अधिकार या दोष लगाना, हालेलुया। या तो फिर क्यों अपने भाई को तू जजता है, तू क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है, या तो क्यों अपने भाई को तुझ मानता है, हालेलुया। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े, आमेन। ऐसा दिन आएगा कि हम सब एक दिन उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उस दिन उसके सामने कोई भी झुक नहीं पाएगा, कोई भी झुक नहीं पाएगा, हालेलुया। आज इंसान तेरा मेरा कर रहा है, आज इंसान मेरा तेरा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा में माही है, आज इंसान दर्द कर रहा है, घमंड कर रहा है, आज इंसान अहंकार कर रहा है, आज इंसान एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, आज इंसान एक दूसरे के नाम पर चुगली कर रहा है, आज इंसान एक दूसरे को बुराई कर रहा है, आज इंसान स्वार्थी हो रहा है, परंतु मेरे लिए कोई मतलब नहीं। वचन कहता है कि हम सब के सब, हम सब के सब ये संसार के, हालेलुया, सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े, हम सब के सब ये संसार के उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं, हालेलुया। और क्योंकि लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हालेलुया। हमारा प्रभु कहता है कि जिस दिन मैं सहारे लोगों का मैं न्याय करूंगा, हालेलुया, जिस दिन हमारा प्रभु आएगा, जिस दिन यीशु मसीह आएगा मेरे प्रियो, तब उसके सिंहासन के पास
सभी लोगों के लिए न्याय होगा, सभी लोगों के लिए न्याय होगा। उसके पास जो लिखा चुका है, एक एक पल का लिखा चुका हो रहा है, किसी के लिए भी उसके पास फैसिलिटी नहीं हो रहा है, वो किसी को छोड़ देगा। हालेलुया, उसकी निगाहें हैं सबों के ऊपर, हम कहेंगे हम भले, हालेलुया, दूसरा कहेगा हम भला, परंतु कौन भला है कौन सही है वो तो डिसाइड करेगा हमारा परमेश्वर। परंतु मेरे प्रियो, हमारा किसी को भी मनुष्य से हमारे अपने आप को प्रूव करना जरूरी नहीं है, अपने आप की कमाई देना जरूरी नहीं है। आप किसी भी इंसान के सामने रोएगा नहीं, अपनी कमजोरी को बोलेगा नहीं, कभी भी किसी इंसान के सामने अपने कमजोरी को लाना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मेरे लिए जब आप अपने आंसुओं को अपने दुखों को इंसानों के सामने बोलेंगे तो इंसान आपकी ठट्टा उड़ाएगा, ये संसार आपकी ठट्टा उड़ाएगा। परंतु जब आप अपने आंसुओं को आपके दुखों को आपकी परिस्थिति को आपकी हर एक वेदना को जब आप परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा पिता आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो किसी को आपकी बात नहीं बताएगा, वो अपने तक रख रहा है। जो भी जो अनुरोध हम अपने पिता से करते हैं, वो पिता कभी किसी से आपकी चुगली नहीं करेगा, कभी किसी से आपकी नाम लड़ाई नहीं करेगा, कभी वो आपको नहीं रुलाएगा, कभी वो आपको अनादर नहीं करेगा, कभी वो आपको धिकारेगा नहीं, कभी वो आपको थट्टा नहीं उड़ाएगा, कभी वो आपकी अनसुनी नहीं करेगा। क्योंकि हमारा पिता इतना अच्छा पिता है कि आपके रोने से वो रोता है। इतने अच्छे पिता के लिए कि हम समय थोड़ी सी समय भी नहीं निकाल पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए वचन कहता है कि तुम चिंता ना करो, न्याय के दिन करीब आ रहे हैं। तुम चिंता ना करो, न्याय के दिन करीब आ रहे हैं। हालेलुया, और जब करीब आएंगे तो उसका सिंहासन मेरे प्रियो उस जगह में बैठे। हालेलुया, और वचन कहता है सबके सब उस परमेश्वर के न्याय के सामने हम खड़े होंगे। इसीलिए मेरे हमें आज इस संसार जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में, और जब हमारा पिता आएगा वो सिंहासन के पास हमें बुलाएगा, और एक दूसरे को पूरे संसार के सारे प्राणी जीव जंतु सब कुछ को इकट्ठा उसी जगह सब कोई इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि कहीं और छुपने का जगह नहीं है। जब आज हम संकट में होते हैं तो वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ और सदर स्थान बनता है। हालेलुया, जब हम दुखी होते हैं मेरे लिए, जब हम दुखी होते हैं वो हमारे लिए शांति स्थापना करता है, वो हमें बाहों में भरता है। बस आपको पुकारने की देरी है कि यीशु तू आ जा, मैं आज टूट चुका हूँ, मैं आज बिखर चुका हूँ, आज मेरे जीवन में मैं तुझे याद करता हूँ, तू आ जा। फिर देखिए कैसे यीशु आपके पास आ जाएगा, महसूस कीजिएगा वो आपको बाहों में भरता है, वो आपके आंसुओं को पोंछता है, वो आपके पास बैठता है, वो आपके साथ बात करता है, वो कहता है कि तू संसार के लिए कुछ है, तू संसार के लिए जीवित है, तू संसार के लिए तू आ जा, भले ही कुछ मायने नहीं रखता परंतु तू मेरे लिए बहुत मूल्य है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। और खुले आसमान से एक झरोका खुल जाएगा, खुले आसमान से एक द्वार खुल जाएगा, और उसमें से एक आवाज आएगा कि यह मेरा प्रिय मित्र है, मैं इसे आज प्रसन्न हूँ। हालेलुया, स्वर्ग से एक आवाज आएगा कि यह मेरा प्रिय मित्र। यहाँ लिखा गया है कि न्याय सिंहासन के सामने हम सभी को खड़ा है, हम सब खड़े होंगे उसके न्याय सिंहासन के पास, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध। हालेलुया, कि हर घुटना मेरे सामने टिकेगा। प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध एक दिन ऐसा होगा जिस दिन न्याय होगा मेरे पिता के सिंहासन के पास मेरे। हालेलुया, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा।
और हर एक जीव परमेश्वर पिता का अंगीकार करेगी वो ही जीव परमेश्वर है। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देखा। आमीन हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो छोटे से बड़ा ये पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है वस्तुए सब कुछ उसी के हाथों से नीचे गए हैं और जिस दिन उसका न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो हम सभी को उसके सामने खड़ा होना होगा। वचन कहता है इसीलिए हम में से हरे परमेश्वर को अपना अपना लेखा दे। हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। इसीलिए मेरे प्रियो भले ही हम मनुष्य का भय ना करें। मनुष्य का भय हम क्यों करेंगे? मनुष्य का भय हमें नहीं करना है। हमारी भय रहना है तो परमेश्वर के ऊपर क्यों रहना है? जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी मनुष्य कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है। मेरे लिए आप चिंता ना करें। कोई भी मनुष्य से ना डरे। कोई भी मनुष्य की बातों से ना डरे। मेरे लिए हमें डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से भय रखना। कभी भी हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना क्योंकि वो न्याय के दिन आ रहा है और हम सभी को उस न्याय के दिन में खड़े होना चाहिए। हालेलुया आमीन। आज का ये वचन परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिए है मेरे प्रियो बहुत सुंदर वचन है और आज पवित्र आत्मा सही में बहुत गहरे उपस्थिति है। इसीलिए मेरे प्रियो आत्मिक रीति से जैसे इस जगह को भी उसने भर दिया है। चलिए धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और परमेश्वर को हम ये वचन को हम मांग लेते हैं कि प्रभु ये वचन के जरिए तू मेरे जीवन में कार्य कर। मैं तेरे खिलाफ ना जाऊं। तेरे न्याय के दिन प्रभु जी मैं तेरे सामने खड़े हो सकूं। मैं किसी को दोष ना दूं। किसी की मैं निंदा ना करूं। किसी की मैं चुगली ना करूं। किसी की ना भलाई ना करूं। किसी को मैं स्वार्थी भावना ना रखूं। किसी के ऊपर प्रभु जी मैंने अगर कोई बुरा बात बोल दिया प्रभु जी तो मुझे क्षमा। हर एक छोटी सी भूल के लिए प्रभु के सामने जब हम दीन बनते हैं मेरे प्रियो तो वह हमें शिरोमणि बनाता है। चलिए हम सब दुआ करते हैं मिल करके और परमेश्वर के लिए भी मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके प्रिय और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम सब फिर से आते हैं खुदा पिता। ये जो वचन है प्रभु जी आपने दिया इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का जो ये वचन है प्रभु जी पिता पवित्र आत्मा हम सबों को ऐसे से नियंत्रण कर कि ताकि प्रभु जी हम किसी के ऊपर दोष ना लगाए। किसी को प्रभु जी ना बुरी भावना ना करे। किसी के ऊपर प्रभु जी हम उंगली ना उठाए। ओ प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे खिलाफ आ जाए क्योंकि ऐसा दिन आएगा प्रभु जी की तेरे न्याय के दिन आएंगे और प्रभु उस न्याय के दिन हम खड़े हो सकते। तू हमें ऐसे तैयार कर प्रभु जी कि हम तेरे जो खट में खड़े हो सके पिता और तेरे सामने हम खड़े हो सके। तू हमें इस योग्य बना प्रभु। तू सारे प्रार्थना को सुना है प्रभु। जितने भी भाई हैं मैंने हर एक को खुदा बनाने तेरे हाथों में समर्पित कर देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया और प्रभु जी जितने भी लोग जुड़े हैं ब्रदर नागेश और भी जितने भी लोग प्रभु जी जो लोग बाद में जुड़ते हैं खुदावर हरेक को पवित्र आत्मा वहां पर करे। जिसकी जो मांगे है खुदावर परमेश्वर अब यीशु के नाम से सब कर दे और प्रभु जी सारा महिमा और प्रभु जिसके भी जीवन में प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर राजा दुख है निराश है हताश है कोई भी शत्रु शैतान की शक्ति है पिता परमेश्वर के नाम से पिता हर एक बंधन को तोड़ते हैं खुदा और प्रभु जी तेरे बच्चों के जीवन में जो भी परिस्थिति है जो भी आंसू है पिता यीशु के नाम से हर एक आंसू पहुंच जाए और सभी लोगों को पिता प्रभु का एक आनंद मिले पिता प्रभु का आनंद उतरे प्रभु जी और यीशु का शांति उतरे और प्रभु तू हम सबों को ऐसे बना पिता कि तेरे न्याय के दिन प्रभु जी हम सब खड़े हो सके और प्रभु तेरे योग्य बन सके पिता। इस लायक तू हमें बना प्रभु परमेश्वर पिता को हमें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। ओ पिता परमेश्वर ये वचन आज का वचन अरे उस पर करे प्रभु जी और सारा आदर महिमा यीशु आप मिले आमेन हालेलुया। चलिए एक सुंदर सा भजन गाते हैं हम सब विदा लेते हैं। हालेलुया।
मेरा यीशु यीशु, 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 मेरे दिल को आराम जो जपे ये सुना, मेरे दिल को आराम जो जपे ये प्रभु जी, तेरे नाम को हम चाहता है परमेश्वर पिता, हम घटे तू बढ़े और प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य है प्रभु पिता परमेश्वर राजा। प्रभु हमने इस जगह को प्रभु तेरी उपस्थिति से भरा इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। ये राज्य का भार को भी प्रभु जी तेरे हाथों में दे देते हैं और प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर राजा, ये संसार से प्रभु जी हरे दुख हरे महामारी हरे रोग प्रभु जी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हरे रोग डॉक्टर प्रभु जी यीशु के नाम से खुलने पाए पाए, और सारे चर्च का विषया सारे से समाचार प्रभु जी और भी तेजी रूप से बढ़े पिता, और तेरी महिमा तेरी प्रशंसा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन हालेलुया थैंक यू। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर फैमिली ऑल्सो, and see you next time. Bye. God bless you. Praise God.